पर्सनल प्रोनाउन टेबल, ये मैंने टेबल बनाया है जिसमें पहले ये बॉक्स में आपको दिखा रहा हूं, ये केसेस जो लिखा हुआ है केसेस ये इस तरफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। केसेस यानी कि कैसे, किस रूप में, किस केस में हम प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, एज सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एज ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, या फिर एज पोसेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, या फिर पोसेसिव एज नाउन यूज कर रहे हैं, एज नाउन यूज कर रहे हैं। ये हम यहां से देखेंगे। अब पर्संस की बात करेंगे, पर्संस की, क्योंकि पर्संस किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे, पीपल के लिए यूज होता है, व्यक्ति विशेष के लिए। हम हिंदी में अगर समझना चाहें तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम से है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सन के लिए हम यूज करेंगे इसको, पर्सन के लिए। तो पर्सन संस्कृत में जैसे हमने पढ़ा है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश की बात जब करें तो इंग्लिश में हम जो पर्सन है वो तीन टाइप के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैं पहले यहां लिख देता हूं, मान लो ये मैंने लिखा फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जेंडर, अगर फर्स्ट पर्सन कौन सा जेंडर है और कौन सा नंबर है उसके हिसाब से हमने समझना है। फर्स्ट पर्सन जो है उसमें ऑल जेंडर्स, सभी जो जेंडर्स हैं वो सिंगुलर नंबर में, यानी कि कोई भी जेंडर हो, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, यदि वह अपनी बात करना चाहे तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। अब जब वो सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में यूज होगा तो अपने आप को कहेगा आई। फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर हो तो सेंटेंस में वो आई लिखेगा सब्जेक्ट की जगह, ये इसका मतलब, सब्जेक्टिव केस। हम इसको सब्जेक्टिव केस बोलेंगे अब, सब्जेक्टिव यूज्ड एज, सब्जेक्ट मींस सब्जेक्टिव केस, यूज्ड एज ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन कोई भी हो, चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, कोई न्यूट्रल जेंडर, कोई एनिमल भी अगर हम किसी कार्टून वगैरह में दिखाते हैं बात करते हुए, या फिर कोई कॉमन जेंडर की तरह हम यूज किया हो उस किसी वर्ड के लिए, अगर खुद बात करने की बात है तो सब्जेक्ट की जगह फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है वो अब क्या लिखेगा, आई लिखेगा, सब्जेक्टिव केस में आई लिखेगा। ऑब्जेक्टिव केस में मी लिखेगा, आई मी, जरा स्पेलिंग फिर से लिख रहा हूं मैं, एम ई मी, आई मी। और पोसेसिव एडजेक्टिव में वो लिखेगा माय, और पोसेसिव एज नाउन में लिखेगा माइन, माइन। ये फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर पोसेसिव एज नाउन, ये आई मी माय माइन। इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, वो कभी भी अपना नाम नहीं लिखता है। अगर हमने कोई सेंटेंस लिखना है तो फर्स्ट पर्सन जैसे कि मान लो सिद्धार्थ बात कर रहा है, तो सिद्धार्थ कभी भी ये नहीं बोलेगा कि सिद्धार्थ लाइक्स टी, सिद्धार्थ क्या बोलेगा, आई लाइक टी, ये बोलेगा सिद्धार्थ। तो जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होता है और एज सब्जेक्ट उसका यूज आई होता है। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, वहां पर अपना नाम नहीं लिखेगा, वहां मी लिखेगा,
वहां पर नाम के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएगा, माई लिखेगा और माइन लिखेगा। ये हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को समझा। अगर फर्स्ट पर्सन ही है और कोई भी जेंडर है, ये जेंडर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम, कोई भी जेंडर है लेकिन प्लूरल है, यानी कि बात करने वाला व्यक्ति एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो आई की जगह क्या हो जाएगा? जैसे मान लो टीचर ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो पूरी क्लास इकट्ठी जवाब दे रही है, तो क्या जवाब देगी? वी आर राइटिंग, वी आर रीडिंग। तो हमने क्या यूज किया? वी। क्या यूज किया? वी। ये वी हो गया। उसके बाद फिर इसके लिए अवर होगा, सॉरी अवर नहीं होगा, अस होगा, ऑब्जेक्टिव में अस होगा, प्लूरल में वी अस अवर एंड अवर्स, अवर्स, वी अस अवर अवर्स। ये हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ। इसके पश्चात हम सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में ऑल जेंडर्स ऑल नंबर्स। इसकी बड़ी खासियत है सेकंड पर्सन की, चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, यानी कि अकेला हो या बहुत सारे हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, फेमिन हो, मैस्कुलिन हो, कोई भी जेंडर हो, हम सबको यू ही बोलते हैं इंग्लिश में। यू क्या बोलते हैं? यू। और इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, यहां पर योर हो जाता है और यहां पर योर्स हो जाता है, यहां पर योर्स हो जाता है, यहां पर योर्स हो जाता है। तो सेकंड पर्सन बिल्कुल आसान है, यू यू योर योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में अगर जेंडर मैस्कुलिन है, यानी कि मेल है, मैस्कुलिन में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैस्कुलिन की, अगर जेंडर मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, तो बताएंगे आप राम मैस्कुलिन था और सिंगुलर था, तो उसके लिए क्या यूज किया था हमने? ही। और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम,